प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्री मेच्योर मीनोपॉज या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर वो कंडीशन है जिसमें एक फीमेल की अंडा बनाने की क्षमता उम्र से पहले ही घटती चली जाती है और शून्य तक पहुंच जाती है। ऐसे में यदि एक फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उनके सामने सिर्फ डोनर एग लेने की ही ऑप्शन अवेलेबल होती है, बट यदि वो अपने ही अंडों से प्रेग्नेंट होना चाहती है तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है इनको रिवर्स करने के लिए? बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो पेरी मीनोपॉज में तो फिर काम करती है पर एब्सोल्यूट मीनोपॉज में उनका बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखा गया। इन दोनों से हम ये समझते हैं कि मीनोपॉज मतलब अंडा बनाने की क्षमता निल है, बट पेरी मीनोपॉज वो इतनी घट गई है कि जो महीना है वो 2-3 महीने में एक बार आ रहा है, हार्मोन के लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं और ओकेजनली कभी कभी अंडा बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं ओवेरियन पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या स्टेम सेल, इन दोनों को ओवरीज के अंदर अंडाशय के अंदर इंजेक्ट करना और फिर कुछ महीने बाद इसका रिजल्ट देखना। कभी कभी रिपीट सिटिंग की भी जरूरत पड़ती है, 2 से 3 सिटिंग पीआरपी की या स्टेम सेल की करके कुछ कुछ सोए हुए सेल्स को जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं दोबारा से एग में परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ महिलाओं में ऐसा देखा गया है वर्ल्ड वाइड कि फिर से एग बनने शुरू हो जाते हैं। इससे कुछ कुछ प्रेगनेंसीज भी रिपोर्टेड है बट अभी ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है।